अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ द कंसेप्ट टाइबा। बेसिकली जो हमारे कंसेप्ट टाइबा की जो एनाटॉमी है उसमें हम उसमें डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ कंसेप्ट टाइबा, व्हाट इज कंसेप्ट टाइबा, पार्ट्स ऑफ कंसेप्ट टाइबा, लेयर्स ऑफ कंसेप्ट टाइबा, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ द कंसेप्ट टाइबा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कंसेप्ट टाइबा। बेसिकली जो हमारा कंसेप्ट टाइबा होता है वो क्या होता है। कंसेप्ट टाइबा मीन्स टू जॉइंट। जो कंसेप्ट टाइबा जो होता है उसका मीन्स होता है हमारा टू जॉइंट, मतलब कि जोड़े रखना। कंसेप्ट टाइबा क्या करता है हमारा, ये जोड़ने का काम करता है। ये क्या करता है हमारा आईलिड और आई बॉल को जोड़ के रखता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट दिया है ट्रांस, ये क्या होता है एक ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तीसरे पॉइंट में दिया है हमारा ये लाइज जो होता है, इट लाइज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल। ये करता है हमारा आईलिड का पोस्टीरियर सरफेस। मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, ये ऐसे करके करता है आईलिड, ये ग्लोब हो गए, ये आईलिड हो गई। कंसेप्ट टाइबा क्या करेगा इन दोनों को ऐड करके रखेगा। तो हमारा जो आईलिड का नाम बोला पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी, ये क्या है हमारा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी आईलिड एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ दी आई बॉल। ये क्या करता है आईलिड का पोस्टीरियर सरफेस और आईलिड का पोस्टीरियर सरफेस और आई बॉल का एंटीरियर सरफेस को ऐड करके रखता है। उसके बाद हमारा दिया हुआ है इसमें पार्ट्स ऑफ कंसेप्ट टाइबा। पार्ट्स ऑफ कंसेप्ट टाइबा जो हमारे कंसेप्ट टाइबा के 3 पार्ट्स होते हैं, पाल्पेब्रल, बल्बर और कंसेप्ट टाइबा फॉर्मिक्स। ठीक है, पाल्पेब्रल को हमने फर्दर डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, मार्जिनल, टार्सल और ऑर्बिटल। कंसेप्ट टाइबा फॉर्मिक्स को हमने फर्दर डिवाइड किया सुपीरियर, इंफीरियर, मिडिल और लेटरल। सुपीरियर, इंफीरियर, मिडिल को हम कल्डेसैक बोलते हैं। व्हाट इज कल्डेसैक? कल्डेसैक क्या होता है, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कल्डेसैक बोलते हैं। जैसे हमारा इसमें दिया हुआ है, ये क्या हमारा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर इट मींस ये क्या होता है दोनों तरफ से क्लोज होता है। ये क्या हमारा इधर से भी क्लोज है, इधर से भी क्लोज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कल्डेसैक। अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये हमारा, ये क्या हमारा सुपीरियर पार्ट्स हो गया कंसेप्ट टाइबा का, ये मार्जिनल कंसेप्ट टाइबा, ये सुपीरियर फॉर्मिक्स, ये बल्बर कंसेप्ट टाइबा, ये लिम्बल कंसेप्ट टाइबा और ये क्या हमारा कॉर्निया एपिथेलियम हो गई, ये ऑर्बिटल हो गया और ये इंफीरियर कंसेप्ट टाइबा, ये क्या हमारा लोअर टार्सल कंसेप्ट टाइबा। उसके बाद हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ कंसेप्ट टाइबा। बेसिकली जो हमारा कंसेप्ट टाइबा जो होता है उसकी थ्री लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज एपिथेलियम, एडिनोइड लेयर और फाइब्रस लेयर। एपिथेलियम की बात करें, इसमें हमारे जो एपिथेलियम में क्या होता है, जो मार्जिनल जो होती है उसमें 5 लेयर्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम लेयर्स होती हैं। टार्सल में क्या होता है हमारा 2 लेयर्स सिलैंड्रिकल डीप सेल होती हैं। फॉर्निक्स एंड बल्बर में क्या होता है 3 लेयर सिलैंड्रिकल डीप सेल होती हैं और लिम्बल में क्या होता है हमारा 5 लेयर्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम लेयर्स होती हैं। इसमें हमारा इसका क्या हमने एपिथेलियम का एक न्यूमोनिक्स बना दिया है 5-2-3-5। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लेयर जो हमारी वो है एडिनोइड लेयर। एडिनोइड लेयर क्या होती है, इसमें हमारा पहला दिया इट इज़ आल्सो नोन एज लिम्फोइड लेयर। जो एडिनोइड लेयर जो होती है वो हमारी लिम्फोइड लेयर भी कहलाती है। सेकंड पॉइंट इसमें फाइन, ये क्या होता है हमारा फाइन कनेक्टिव टिश्यू होता है, इट इज़ एन फाइन कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हमारी जो तीसरे नंबर की जो लेयर जो दी है वो हमारी फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर क्या होती है, इट इज़ वेरी थिक लाइक फॉर्मिक्स। ये क्या होती है हमारे जो फॉर्मिक्स जो होता है यहाँ बहुत ही थिक होती है, यानी कि मोटी होती है। इसमें जो सेकेंड पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। इसमें क्या होता है हमारा जो फाइब्रस लेयर जो होती है उसमें कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर जो दोनों कंसिस्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है कंसेप्ट टाइबल लेयर्स का। ये आउटर पहली लेयर जो हमारी, आउटर लेयर जो हमारी को एपिथेलियम है, मिडल लेयर जो हमारी को एडिनोइड लेयर है और इनर लेयर जो हमारी को फाइब्रस लेयर है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द कंसेप्ट टाइबा। बेसिकली जो कंसेप्ट टाइबा में जो ब्लड सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, इसमें हमारा दिया है पाल्पेब्रल एंड फॉर्निक्स। इसका जो हमारा ब्लड सप्लाई जो होती है कंसेप्ट टाइबा में वो 3 पार्ट्स में होती है, पाल्पेब्रल, बल्बर और कंसेप्ट टाइबा। इसमें हमारा दिया पाल्पेब्रल एंड फॉर्निक्स। जो हमारा पाल्पेब्रल और फॉर्निक्स जो होता है उसमें ब्लड सप्लाई जो होती है ब्रांच ऑफ पेरिफेरी मार्जिनल आर्टरी। जो हमारा इसमें जो एक देखो
ये हो गया हमारा पाल्पेब्रल और ये हो गया फॉर्निक्स। पाल्पेब्रल और फॉर्निक्स में जो ब्लड सप्लाई जो होती है वो ब्रांच ऑफ पेरिफेरिक मार्जिनल आर्टरी से होती है। उसके बाद हमारे इसमें एक पार्ट बचता है बल्बर। बल्बर में जो ब्लड सप्लाई जो होती है वो होती है एंटीरियर पोस्टीरियर कंजक्टिवा आर्टरी से। उसके बाद हम नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई जो होती है हमारे कंजक्टिवा में रेस्ट ऑफ कंजक्टिवा सप्लाई बाई पहला हमारा दिया है इंफ्राट्रोक्लियर नर्व, सुप्राट्रोक्लियर नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व एंड फ्रंटल नर्व। इसमें क्या होती है हमारा इनसे क्या होता है हमारा कंजक्टिवा में नर्व सप्लाई होती है। सो गाइस उसके बाद हम बात करते हैं ग्लैंड्स ऑफ कंजक्टिवा। बेसिकली जो कंजक्टिवा की ग्लैंड जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती है हमारी। पहला है म्यूसिन सीक्रेटरी ग्लैंड, एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड। म्यूसिन सीक्रेटरी ग्लैंड में जो हमारी जो ग्लैंड जो इंक्लूड जो रहती हैं वो कौन कौन सी हैं, गॉबलेट सेल, क्रिप्ट्स ऑफ हैनले, ग्लैंड ऑफ मेज। जो गॉबलेट सेल जो होती है वो हमारी लोकेटेड होती है एपिथेलियम में, कंजक्टिवा के एपिथेलियम। उसके बाद जो सेकंड है हमारी वो है क्रिप्ट्स ऑफ हैनले। जो क्रिप्ट्स ऑफ हैनले है वो प्रेजेंट होती है टार्सल कंजक्टिवा में। हमारा जो टार्सल कंजक्टिवा है वो ये है, ओके। इसमें जो हमारे क्रिप्ट्स ऑफ हैनले है वो टार्सल कंजक्टिवा में प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो हमारी थर्ड ग्लैंड जो है वो है ग्लैंड्स ऑफ मेंस। तो ग्लैंड्स ऑफ मेंस जो है हमारी वो है फाउंड इन लिम्बल कंजक्टिवा। उसके बाद हम सेकंड एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड की बात करें तो इसमें जो हमारी इंक्लूड जो होती हैं वो है ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस, ग्लैंड्स ऑफ गॉल्फ्रिंग। ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस जो होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे सब कंजक्टिवा में, और जो ग्लैंड्स ऑफ गॉल्फ्रिंग है वो हमारी प्रेजेंट होती है अपर बॉर्डर सुपीरियर टार्सल एंड लोअर बॉर्डर ऑफ इंफीरियर टार्सल। अगर हम इसमें डायग्राम की बात करें तो इसमें हमारा दिया है ये क्या हमारा लैक्रिमल ग्लैंड है, ये क्या हमारी लैक्रिमल ग्लैंड है। मतलब ये हमारा सुपीरियर फॉर्मिस, ये बल्बर कंजक्टिवा, ये हमारी कॉर्निया हो गई, ये टार्सल कंजक्टिवा, ये इंफीरियर फॉर्निक्स हो गया, ये ग्लैंड ऑफ क्रॉस हो गई और ये ग्लैंड ऑफ क्रॉस हो गई, ठीक है। अपर और लोअर ये मैबोबियन ग्लैंड है हमारी, और ये ग्लैंड ऑफ जेस है, ये आईलेशेस हैं, ग्लैंड ऑफ मोल है और ये ग्लैंड ऑफ बॉलफ्रिंग है। सो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ एक चीज़ और फ्रेंड, हमारे इस चैनल पर आपको ऑक्युलर एनाटॉमी और जनरल एनाटॉमी फार्माकोलॉजी के